सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निकुल चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम Redmi K20 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये है हमारा बॉक्स जो हमें Redmi की तरफ से मिला है अभी अभी, तो चलिए हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हमारा बॉक्स, इसको ओपन करते ही हमें अलग तरीके का कुछ देखने को मिलता है। ये देखिए, इसमें की है जिससे हम मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, देखिए। और ये कुछ गाइडेंस बुक है और इसके लिए मोबाइल के लिए बैक कवर है, तो आप देख सकते हैं। बैक कवर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेबल नहीं है, बाकी कंपनियों से कुछ अलग दिया है Redmi वालों ने। तो चलिए हम अब बॉक्स को साइड में रख लेते हैं और मोबाइल को देखते हैं। तो ये है हमारा मोबाइल और अंदर हमें ये डाटा केबल मिलती है और एक चार्जर मिलता है सिंपली, जिससे हम अपने मोबाइल को सिंपली चार्ज कर सकते हैं। हालांकि आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये है हमारा मोबाइल, आप देख सकते हैं। इस मोबाइल में आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलते हैं और बैक साइड में आपको फ्लैशलाइट भी मिलती है। देखिए, ये है हमारा मोबाइल, ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है, फुल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। एक बात है कि अगर आप इस मोबाइल में कुछ स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको जो स्क्रीन डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। और एक बात है कि फ्रंट में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, यानी जब आप सेल्फी लेते हैं तो कैमरा बाहर निकलता है। आप देख सकते हैं कि जैसे हम सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा बाहर आ रहा है, और जैसे हम बंद करते हैं कैमरा अंदर चला जा रहा है। तो ये एक फ़ोटो लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पीछे के कैमरे आपको कौन से मिलते हैं ये इसके बारे में बात कर ले। पीछे में आपको 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के तीन कैमरे मिलते हैं विद फ्लैशलाइट। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैक साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड पावर बटन, ये तीन बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। और मोबाइल बहुत ही स्लिम है, यानी आपको जो हाथ में आप मोबाइल को लेंगे तो आपको बहुत ही क्लासी लुक एक्सपीरियंस होगा। तो ये है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बैटरी कितने की मिलती है। इसमें आपको बैटरी 4000 mAh की मिलती है और इसमें आप फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आपको इसमें मोबाइल को चार्ज करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो इसमें हम बात करते हैं कि आपको रैम कितनी मिलती है। तो इसमें 6 GB रैम मिलती है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलता है। तो ये हुई। और नीचे आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और हेडफोन का ऑप्शन भी आपको नीचे ही मिल जाता है। और बैक साइड में आपको फ्लैशलाइट और तीन कैमरे मिलते हैं और Redmi का कुछ लोगो लगा हुआ है। और आपको जो फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन है वो ऑन स्क्रीन ही मिलता है और फेस अनलॉक का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हमारे मोबाइल की बात हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको डिस्प्ले कितने की मिलती है। तो डिस्प्ले आपको इसमें 6.4 इंच की फुल एमोलेड प्लस HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो ये भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है कि अगर आप पबजी के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आप इसमें पबजी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और इसकी प्राइस के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें आपको जो ये मोबाइल है वो आप 25,000 रुपये में ये ख़रीद सकते हैं। अभी ये आप अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से कहीं भी से ख़रीद सकते हैं। हालांकि अभी शायद ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो जब आए तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और ये एंड्रॉयड 9 पाई पे वर्क करता है। तो इस वीडियो में इतना ही कहना था। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।